हेलो डियर, वेलकम टू गेसेल कैंपस। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट सिंगल कोलम मैनोमीटर। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सिंपल मैनोमीटर्स का जो लास्ट टाइप था वह सिंगल कोलम मैनोमीटर। इसके पहले पिजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर हम पढ़ चुके हैं। नाउ इस लेक्चर में सिंगल कोलम मैनोमीटर पढ़ने से पहले एक चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल प्रेशर राइज ऑफ हाई डेंसिटी फ्लूड। ठीक है, डेंसिटी हाई होगी तो प्रेशर राइज होगा, स्मॉल अगर होगा तो जो इंक्रीज इन हाइट होगा वो कम होगा। बिकॉज पी इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। आपके पास डेंसिटी भी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, और इसमें बहुत मतलब कम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट कि जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और डेंसिटी भी हाई है तो हाइट तो एकदम इस बहुत मिनिमम इंक्रीज होगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी हाइट आ रही है, मतलब बहुत मिनिमम आएगी तो हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो इसका हम सिंगल कोलम मैनोमीटर्स यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो एक एंड है उसको लार्जर बनाते हैं और दूसरा एंड जो है उसको स्मॉलर बनाते हैं, और इसके बीच में मैनोमेट्रिक फ्लूइड फिल करते हैं। एक कोई भी जो फिजिबल होता है, सूटेबल होता है, लाइक मरकरी वगैरह। तो जैसे कंसेप्ट इसका देखें तो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट का या फिर पाइप का प्रेशर मेजर करना है जो कि पी है, और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रही है उसकी डेंसिटी है रो एल, और जो हम मैनोमेट्रिक फ्लूड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है रो एम। तो जैसे कि अगर यहाँ पे हम सिंपल जो है यूट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं या फिर पिजोमीटर लगाते हैं तो यहाँ से हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें बहुत ही हल्का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो बहुत ही स्मॉल हाइट इंक्रीज होता डेल्टा एच, क्योंकि बहुत ही कम होता। हमें मेजर करने में मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी होती, कैलकुलेट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती, बट हम क्या कर रहे हैं सिंगल कोलम मैनोमीटर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक एंड हमारा क्या है, लार्जर है जो कि इस पाइप लाइन से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड स्मॉलर है। दैट मीन्स दैट हमारे पास अगर लार्जर एंड पे जो कि कनेक्टेड है उस एरिया से जहाँ का प्रेशर मेजर करना है तो वहाँ पे बहुत प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर डिफरेंस आया, बहुत ही कम प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ फिर डिक्रीमेंट हुआ, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही कम, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 बार है तो ये है 1.05 बार, लाइक दैट बहुत ही कम का अंतर है, या फिर अगर कम है इससे तो लाइक ये है 9.99, बहुत कम का अंतर है। तो इस केस में जो हाइट होगी वो बहुत ही मिनिमम जो होगी इंक्रीज होगी, हाई जो हमारे पास हेड आएगी प्रेशर हेड वो बहुत ही कम आएगी। तो ये जो लार्जर सेक्शन वाला एंड है यहाँ पे बहुत कम हेड डिक्रीमेंट होगा, इसके वजह से जो डेल्टा एच जिसको बोल रहे हैं मतलब एक मिनिमम हेड डिक्रीमेंट, इसकी वजह से जो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाला एंड है इस सिंगल कॉलम मैनोमीटर का, यहाँ पे जो हाइट यानी हेड इंक्रीमेंट आएगी वो एच की जो कि बढ़ जाएगी, बिकॉज क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे लार्जर क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे कम ही हाइट पे ज़्यादा फ्लूड आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हमने लगा रखा है तो यहाँ पे उतने फ्लूड को कैरी करने के लिए जो हेड है या फिर हाइट है वो ज़्यादा लगेगी। तो हम फाइनली इसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं जो कि विजिबल होगा नेकेड आई से भी कि इंक्रीमेंट हो रहा है नाउ। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला जैसे लगाते हैं तो आपको दोनों पता है, आप या तो इधर से लगा लो या फिर इस साइड से लगा दो, एल एच एस आर एच एस किसी तरफ से आप लगा सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे प्रेशर कितनी है इस पाइपलाइन की, पी जो कि मेज़र करनी है नाउ। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो कितना डिस्टेंस वाई, तो वाई डेप्थ में जा रहे हो तो कौन सी फ्लूड फील्ड है, फ्लूड जो ओ वाली फील्ड है जिसकी डेंसिटी रोवेल है, मतलब कि जो पाइप में फ्लो कर रही है, तो रोवेल जी वाई अपने पास आ जाएगी इक्वेशन। फिर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से इस वाले पोर्शन से इस पे जंप कर सकते हो, बिकॉज सेम मैनोमेट्रिक फ्लूड फील्ड है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था जब पिजोमीटर्स पढ़ रहे थे या फिर यूट्यूब मैनोमीटर, तो उसमें बताया था कि डायरेक्ट जंप कर सकते हैं अगर सेम डेंसिटी का फ्लूड, सेम फ्लूड फील्ड हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे, ओके। तो एक और चीज़ हमारे पास आएगा, इस पॉइंट से हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं लेकिन इसके बीच में आप देखो तो जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो तो और वाई से नीचे कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है डेल्टा एच का,
तो यहाँ पे भी इस वाले भी तो रीजन में जो फ्लूड फील्ड है और रॉयल डेंसिटी का फील्ड है, तो इसको भी नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐड करेंगे रॉयल जी डेल्टा एच, और फाइनल यहाँ से अब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा रो एम जी, और हाइट कितनी है डेल्टा एच प्लस का एच। ओके, तो इसको तोड़ देंगे डेल्टा एच और प्लस का एच, तो हमारे पास फाइनल आएगा माइनस का रो एम जी डेल्टा एच, बिकॉज ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस माइनस का रो एम जी एच, इनको ऐड कर दो डेल्टा एच एच को, तो टोटल हाइट होगी जो भी हो वैसे आप निकाल सकते हो। इस इक्वेशन को आप समझ में आपको आ रहा होगा, पहले आपने पढ़ा है कैसे निकाल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रेशर बचा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर सिर्फ हमें गेज प्रेशर निकालना होता तो इसको जीरो पुट कर देते और इन सारी इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज देते, तो पी गेज प्रेशर जो है वो आ जाता। नाउ इस वाले केस में पी एब्सोल्यूट आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो नहीं मान रहे। तो इस लेक्चर में इतना ही, नाउ थैंक यू।